गिरिधारी जीव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य स्टोत्र जगद गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुभ गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गोगवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्त वत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। जय परम पूज्य पाठशिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। जय त्रिदंडी पाद गण की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु की कथा श्रवण पिपासु भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी जय। वरुथनी एकादशी की जय। जय हरिवासर तिथि वरा की जय। व्रत पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। आज हम सब लोग जिन्होंने हमारे परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव जगत गुरु श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का चरणाश्रय किया, आज हम सब लोगों का एकादशी व्रत है, वरुथनी एकादशी। और मुझे नहीं लगता कि गुरु चरणाश्रय से पहले मैंने कभी एकादशी व्रत किया होगा। गुरुदेव की कृपा, जब उन्होंने एकादशी का महत्व हमें समझाया, तत्पश्चात एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। एकादशी में जो पंचांग में तिथि है, क्योंकि चंद्र गणना के अनुसार अक्सर वो दो दिन एकादशी का पालन हो रहा होता है, और स्मार्त विचार भी है, वैष्णव विचार भी है, उसके अनुसार भी एकादशी का व्रत पालन होता है। लेकिन हमने एक बात समझी है कि हम लोग अपना मटका जो निर्देश मटकी जो पंजिका है उसमें जो डेट लिखी हो वही हम एकादशी पालन करते हैं, तो इसलिए हमें कभी इसके बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार वृंदावन में, मुझे याद है झूलन के टाइम एकादशी का व्रत का जो तिथि थी, पूरे वृंदावन में अधिकांश लोग दूसरे दिन मना रहे थे, लेकिन हमारी पत्रिका में वो दूसरी तिथि थी, तो वहां गुरुजी के ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया कि सारे वृंदावन में तो एकादशी अलग तिथि है और हमारे मठ में हम अलग, तो इसका कोई समाधान क्या है। तो मैं वहीं पे था, मुझे याद है गुरु महाराज जी ने कहा हमारा पंजिका में सब लोग देख लिया तो हमारा मटका सभी शिष्य जिस दिन पंजिका में निर्देशित है वही तिथि को मनाएगा, तो हम अलग से क्यों मनाएगा। तो ये जब गुरुजी ने कहा तो सबने मठ की जो पत्रिका है उसके अनुसार व्रत पालन किया, तो तब से ये बात हो गई
अब हमारी कोई चिंता नहीं है, मठ में जो फैसला हो गया वही हम व्रत करेंगे। एक बार अगरतला मठ में जगन्नाथ मंदिर, वहां पे पुनर्यात्रा पे हम लोग गए तो एकादशी व्रत हुआ। तो वहां तो मैंने आपको बोला कि बंगाल की जो असली संस्कृति वो अगरतला में दिखती है, एकदम बंगाली शुद्ध संस्कृति। तो वहां पे एकादशी में उन्होंने इतना कुछ बनाया अनुकल्प में कि मैं हैरान हो गया वो वैरायटीज देख के। तो उन्होंने एक प्रकार की बर्फी बनाई, वो बर्फी गुरु महाराज जी को, एक्चुअली मेरे को उन्होंने सेवा दी कि आप गुरु जी को सर्व करो, तो मैं दे रहा था। तो वो गुरु जी को बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने पाया उसको, और भी दोबारा लिया। बाद में मैंने उसको पूछा ब्रह्मचारी को इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो उसने मुझे एक पैकेट दिखा, वो जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे थे। तो वो मैंने गुरुजी को मेंशन किया कि गुरुजी इसमें तो कुछ ऐसी चीज है जो व्रत में हम नहीं ले सकते, उसके फ्लावर में, उसके आटा में। तो गुरुजी बोलते, ओह हमारा एकादशी व्रत नष्ट हो गया। अब बोलते बोलते वो प्रसाद भी ग्रहण कर रहे और मैं भी ये बात डिस्कस कर रहा हूं, ओ जिसने कुक किया वो भी आ गया है, तो ये बात डिस्कस हो रही है। तो मठ में सब लोग उस समय अनुकल्प कर रहे थे, गुरुजी के कमरे की बात है अगरतला मठ की। तो गुरु महाराज जी ये बोल के पुनः उसी प्रसाद को लिया और ग्रहण किया। तो मैंने कहा गुरुजी व्रत, गुरुजी कहते ये सबका अगर नष्ट हो गया हम रख के क्या करेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, गुरुजी की सॉलिडेरिटी बड़ी जबरदस्त थी। तो सबका अगर नष्ट हो गया मैं इसको रख के क्या करूंगा। तो वो गुरुजी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया अनुकल्प को। तो हमारी जो एकादशी है गुरुजी की कृपा से हो रही है, उन्होंने हमें बोल दिया। और जिनके घर में सेकंड जनरेशन डिवोटीज आ गए, थर्ड जनरेशन डिवोटीज आ गए, वो बच्चों को बचपन से अभ्यास हो गया एकादशी। अब वो लोग हॉस्टल्स में कहीं पढ़ने गए, कहीं कुछ हुआ, जहां भी एकादशी आई, कुछ मिला नहीं मिला, उन्होंने एकादशी पालन किया। तो ये सब गुरुदेव की अपार कृपा है। आज हमारे श्री कृष्णानंद प्रभु जी से हम सुनेंगे, और भी एक दो स्पीकर्स हैं उनसे भी सुनेंगे। तो पहले मैं प्रार्थना करता हूं कृष्णानंद प्रभु से कि वो प्रारंभ करें। चंडीगढ़ से श्री कुलदीप जी। श्री कृष्णानंद प्रभु। ओम ज्ञान तिमिरांदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत
राधाकांत नमोस्तुते वृंदायै तुलसीदिव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ अई जय गोसाईर करी चरण वंदना जह हई ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंह परतो नरसिंह जतो जतो जामी ततो नरसिंह बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नृसिंह मादिम शरणम प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। और श्री चैतन्य गौड़ी मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। और इस प्रोग्राम में जो भी त्रिदंडी पाद गण वैष्णव सब लोग जुड़े हैं सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके सभी की कृपा याचना करता हूं। हमारे परमाराध्य परम गुरु महाराज उनकी जो शुभ आविर्भाव तिथि है वो उत्थान एकादशी में पड़ती है, सब लोग जानते हैं। उसी तिथि में हमारे पूर्व गुरु जी नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की भी तिरुभाव तिथि होती है। तो अक्सर मुझे लगता है सभी कार्तिक मास अटेंड किए उत्थान एकादशी को, शायद कोई छूटा हो। तो गुरु जी को देखा मैंने परम आराध्य गुरु महाराज एकादशी उत्थान एकादशी तिथि में परम गुरु महाराज की महिमा को बोलते बोलते याद करते करते खो जाते थे उसमें और उसमें देर होती थी। एक बार परम आराध्य गुरु महाराज देहरादून में थे, का मठ भी बना नहीं था, मंदिर भी बना नहीं था, बाहर का हॉल भी नहीं था, पीछे का खाली कंपाउंड था कच्चा, वो भी उसी में स्टेओ बेंच लगा के गुरुजी बैठते थे, कथा होती थी। तो उत्थान एकादशी तिथि में गुरुजी ने कार्तिक मास देहरादून में पालन किया। उत्थान एकादशी तिथि में गुरु महाराज जब रात को, उस बार भारती महाराज भी थे, सब लोग थे बड़े बड़े, गुरुजी ने जब परम गुरुजी के बारे में उनको याद करना शुरू किया तो गुरुजी को ध्यान ही नहीं रहा कि कितना समय हो गया। गुरु महाराज परम गुरुजी के बारे में बोलते जा रहे हैं याद करते जा रहे हैं। 9:30, 10:30, 10:30 इस प्रकार 11 बजने को हो गए। तो बाकी के जो लोग हैं जिन्होंने अनुकल्प आदि की व्यवस्था जिन्होंने खिलाना है वो सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, महाराज दिख नहीं रहा है, अभी सब लोगों ने अनुकल्प करना है, ऐसे वो आपस में बातचीत करने लगे। तब गुरुजी को अचानक जब थोड़ा हुआ, गुरुजी परम गुरुजी के आवेश से थोड़ा बाहर आए तो अरे इतना देर हो गया,
तब गुरुजी ने ये बात बोली मुझे एज इट इज गुरुजी के शब्द याद है, अरे गुरुजी का महात्म कीर्तन करते करते हम सारी रात जाके महात्म कीर्तन कर सकता है, आप लोग चंचल हो जाएगा इसलिए यहां पर छोड़ना पड़ रहा है, गुरुजी ने कहा। इस प्रकार खो जाते थे गुरुजी। तो अगले दिन द्वादशी तिथि में गुरुजी कथा में एक बात बोलते थे, कल तो हमारा परम आराध्य गुरु महाराज का आविर्भाव तिथि था और साथ में हमारा पूर्व गुरु जी गोर किशोर दास बाबा जी महाराज का भी तिरुभाव तिथि था, कल की तिथि में हम गोर किशोर दास बाबा जी महाराज को याद नहीं कर पाया, हमारा उनके चरण में अपराध हुआ, ऐसा गुरु जी बोलते थे, अतः आज उनके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। अगले दिन गुरु जी, कई बार मैंने ये बात को देखा, ऐसा गुरु जी अक्सर बोलते थे और द्वादशी में गोर किशोर दास बाबा जी महाराज का उनके बारे में हम लोग श्रवण करते थे गुरु महाराज के मुखारविंद से। ऐसे ही कल हुआ, कल हमारे व्यास जी अभिन्न व्यास श्री वृंदावन दास ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि थी, अतः उनको हम लोग याद नहीं कर पाए दो मिनट के लिए भी इस प्रोग्राम में, इसलिए जब याद नहीं कर पाए तो मुझे गुरु जी की बात याद हो गई कि उनको याद नहीं किया, इसलिए आज उनको याद करें गुरु जी की बात को लेके। तो कल समय को तो देखना ही पड़ता है, जो कल बात उठी उसमें समय चला गया। तो वृंदावन दास ठाकुर जी के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं याद करके मैं घटना को याद करता हूं। वृंदावन दास ठाकुर जी का श्री पाठ के बारे में तो सबको पता ही है, हम जब नवदीप धाम परिक्रमा करते हैं वहां पर लास्ट दिन में जब परिक्रमा मधुद्रुम द्वीप में जाती है विद्यानगर में, तब जो है वहां गुरु जी वृंदावन दास ठाकुर जी के श्री पाठ में जाते थे, सबसे लास्ट में वो स्थान आता है सबसे, उसके पहले हमारा कोल द्वीप ऋतुद्वीप जौनम द्वीप हो जाते हैं, सबसे लास्ट में उस दिन की परिक्रमा में मधुद्रुम द्वीप आता है, मामगाछी बोलते हैं मधुद्रुम द्वीप। तो वहां पर उनका श्री पाठ है, उनका जन्म स्थान है। वैसे वो ज्यादा जो रहे वृंदावन दास ठाकुर जी, उनका श्रीपट दिनूड़ में है, वहीं पर बैठ के उन्होंने चैतन्य भागवत, जिसको चैतन्य मंगल पहले नाम था, उसकी रचना की। गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे दिनूड़ में भी जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा ही वहां पर स्थान है, प्राचीन स्थान, वहां पर वृंदावन दास ठाकुर जी के सेवित विग्रह भी हैं, जगन्नाथ जी आदि, राधा कृष्ण आदि, और स्वयं उनका बहुत बड़े साइज का एक, जो आम बड़ा साइज होता है जैसे हमारे परम गुरु महाराज इस प्रकार का साइज का, उनका शिव विग्रह भी वहां पर विराजित है देनोर में। और उनकी जो स्वहस्त लिखित जो चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल कही है, चैतन्य भागवत कही है, वो भी वहां पर विद्यमान है। वहां के जो अभी जो पुजारी लोग हैं जिनके पास वो सेवा है, बहुत से तालों में बंद करके रखी हुई है, मैंने देखा, हम लोग जो गए थे तो क्या गुरुजी की कृपा हुई, उन्होंने कहा आपको देख के मैं दिखा तो सकता हूं पर आप मुझे विश्वस्त रूप से बताइए, विश्वास दिलाइए कि कोई अपने मोबाइल से उसको फोटो को नहीं खींचेगा। ठीक है, जितने हम लोग थे हम नहीं खींचेंगे। कितने ट्रंकों में है, एक ट्रंक उसके अंदर, फिर पेटी, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, उसको भी एक लॉक्ड गोदरेज की अलमारी में रखा हुआ है, कितनी सारी पेटियां खोल के अंदर, फिर कितने वस्त्र उनको खोल के उन्होंने हमको श्री वृंदावन दास ठाकुर जो हस्तलिखित ग्रंथ है वो स्पष्ट नजर आता है, हस्तलिखित वो है जो पुराने पत्र होते थे उसमें वो लिखा हुआ है, उनको प्रणाम किया हम लोगों ने। मेरा सिर्फ कहने का ये बात है कि हमने तो वृंदावन दास ठाकुर जी को याद करना है, अतः इसलिए देनूड़ जाने में भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। जो लोग
नवदीप जाते हैं, नवदीप से समुद्रगढ़ भी जाते हैं, समुद्रगढ़ से जो सड़क वर्धमान को जाती है उसमें रास्ते में एक जगह है कुसुमग्राम, कुसुमग्राम से एक लिंक रोड है वो देनूर को जाती है। कुसुमग्राम से होगा मेरे हिसाब से 20-25 किलोमीटर तो होगा, अंदर गांव में वो सब स्थान वृंदावन दास ठाकुर जी के अद्यावधि विराजमान है, वो हरीतकी का वृक्ष वो सब कुछ है, उनका दर्शनीय है सब, बड़ा भजन का स्थान बहुत अच्छा, और वहां पर केशव भारती जी का भी वो जन्म स्थान है देनूर। मौका मिला, उन्होंने वृंदावन दास ठाकुर जी ने हमारे लिए जो चैतन्य भागवत को लिखा, हमारे लिए दिया, उसके महात्म में हमारे लिखा है कि ये जो चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल जो है ये यदि पाषंडी यवन भी सुन ले वो भी जो है तत्काल पवित्र हो जाता है। इस प्रकार की वो चीज देखे गए हैं, हमारे लिए तो वो सचमुचो उपलब्ध नहीं थी, ये तो हम लोग ऋणी ऋणी के कभी ऋण उतार ही नहीं सकते कि किस प्रकार हमारे वृंदावन के पुरी महाराज ने हमारे गुरुजी की इच्छा को और हमारे परम गुरुजी की इच्छा को देखते हुए कितनी मेहनत करके इस चैतन्य भागवत को लिखा है, और उनके साथ हमारे पूज्यपाद भारती महाराज भी, दोनों को मैंने देखा वृंदावन में, मेरा जाना होता था अक्सर, किस प्रकार इस चैतन्य भागवत को बैठ के उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया है, बहुत कष्ट करके। रोज सुबह बैठ जाते थे, सुबह हल्का सा अल्पाहार लिया बैठ जाते थे, और दोपहर को 1-1.30 बजे तक वो इसको लिखते थे हिंदी में, फिर भारती महाराज से सलाह कर करके लिखने के बाद फिर प्रसाद लेके फिर शाम को 3 बजे बैठते, फिर शाम तक बैठे रहते थे। बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत, कितनी प्रूफ रीडिंग, कितने लोगों को दिखाना पड़ा, ऐसे ही उसका अर्थ प्रकाशित नहीं हुआ हिंदी में। और मैंने ये भी देखा कई बार कोई शब्द ऐसा आके रुक जाता था जिसका हिंदी में कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं मिलता था, तब मैंने देखा, मेरे देखने की बात है, पुरी महाराज जोर जोर से पुकारते थे, हा गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे प्रभुपाद, आप कृपा करें और इसका अर्थ मुझे प्रकाशित कराएं, आप ही करा सकते हैं। वो पुकारते रहते, हाँ प्रभुपाद, हे गुरुदेव। और जहां उनका टेबल था उसके सामने में एक अलमीरा थी, और अलमीरा में सभी ग्रंथ रखे हुए थे, उस अलमीरा में सभी ग्रंथों को जाके प्रणाम करते, हा गुरुदेव, आप कृपा करिए, आप प्रकाशित कराइए। तब रुक जाता था वहां पर काम, आगे नहीं बढ़ते थे, वो जब अर्थ प्रकाशित होता तब फिर वो आगे चलते। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार कष्ट करके उन्होंने इसको प्रकाशित किया है, अतः ये सब जो चैतन्य भागवत है ये सब के घर में हमारे जो गुरु भाई लोग हैं, हमारे मठा के आश्रित लोग हैं, सबके घर में होनी चाहिए। बोलते समझ में नहीं आती तो क्या है, समझ में नहीं आती वो प्रणाम करने से होगा, पढ़ने से ही वो प्रकाशित होगी, पढ़ने से प्रकाशित होगी। इसके बारे में मुझे एक घटना याद होती है, मुझे भारती महाराज को सुनने से मिला, भारती महाराज कहा कि आपका जो पुरी महाराज है वो तो उनका पहले शरीर जो है आप जानते हैं पंजाब का था, कहते मैंने उनको बोला ये बांग्ला जो है चैतन्य भागवत पढ़ो, इसको आप पढ़ो, तो कहते पुरी महाराज ने थोड़ा अनिमेषकता दिखाई इसमें कि मुझे तो बांग्ला मुझे समझ नहीं आती, मैं नहीं इसको पढ़ूंगा। कहते मैंने फिर जोर देके कहा, तो कहते उन्होंने मेरे कहने पे इसको पढ़ना जब शुरू किया तो कहते थोड़ा सा पढ़ के वो बोलते हैं महाराज मुझे नहीं इसका समझ में आता, मैं समझ में नहीं आता इसका। तब भारती महाराज बोले, मैंने उनको बोला महाराज आपको समझने के लिए किसने बोला है, मैंने तो आपको पढ़ने के लिए बोला है, समझने के लिए नहीं बोला। तो फिर भारती महाराज की कहने को मान के उन्होंने फिर इसको पढ़ा, वो पढ़ते पढ़ते ये ग्रंथ जो है
उनके सामने में प्रकाशित हो गया, शरणागत होके पड़ा, इसका मर्म उनके प्रकाशित हो गया। ऐसा प्रकाशित हुआ कि फिर वो ए बांग्ला के चैतन्य भागवत को छोड़ के और कहीं उनका ध्यान ही जाने नहीं लगा। तब भारती महाराज को भारती महाराज पूछते, अरे अब क्या हुआ? तब बोलते, महाराज एक ग्रंथ ही ऐसा है, ऐसा इसका प्रकाश हुआ है। तभी उनके मन में ये बात आई कि इसको मैं हिंदी में प्रकाशित करूं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज की भी और उनकी प्रीवियस में देखेंगे उन्होंने लिखा हुआ है, हमारे गुरुजी की भी इच्छा थी। गुरुजी बहुत खुश हुए थे जब ये ग्रंथ छपा और गुरुजी के हाथ में पुरी महाराज ने दिया। अभी मुझे लगता है हमारे शायद वृंदावन मठ में या दिल्ली मठ में ये कहीं उपलब्ध है, पर मुझे ये पता है ज्यादा उपलब्ध नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको ले लेना चाहिए, ये ग्रंथ रखना चाहिए। ऐसे मैंने पहले भी एक दो बार बोला तो मैंने देखा हमारे बहुत से गुरु भाइयों ने इसको लेके रख लिया। खैर बात हमारी मतलब किसी ना किसी प्रकार से वृंदावन दास ठाकुर को याद करना, इसलिए मैंने ये याद किया है। गुरु महाराज नवदीप धाम की परिक्रमा में जिस दिन परिक्रमा थी कोलदीप आदि की, और आते 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 मधोद्रुम द्वीप में वृंदावन दास ठाकुर के श्री पाठ में आते, बहुत देर हो गई, बहुत देर मतलब रात हो गई, रात के बहुत लेट आवर्स, इतना देर हो गई। तो वहां पर जब पहुंचे, लोग जितने थे परिक्रमा करने वाले और सब जो जितने थे वो उतावले हो गए कि यहाँ अब मतलब जल्दी चलना चाहिए, बहुत देर हो जाएगी, 11 साढ़े 11 12 बज जाएंगे, चलना चाहिए, है ना। वो मतलब जो वृंदावन दास ठाकुर का महात्म वहां गुरुजी ने बोलना था या मधोत्रुम द्वीप का जो महात्म बोलना था उसको सुनने के लिए लोग उद्यत नहीं थे और चलना चाहते थे सब। तब गुरु महाराज ने ऐसा देखा, तब गुरुजी आप बोलते थे ना उस दिन कि गुरुजी ने नरसिंह रूप धारण कर लिया, तब वहां पर गुरुजी ने नरसिंह रूप धारण कर, इतना गुस्सा हो गया गुरुजी, इतना डांटा सबको, किस लिए आया है यहाँ पर परिक्रमा, क्या करने आया यहाँ पर, हो गया है, चलो 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 चलो, क्या बात है, हम लोग नहीं जाए, आप जाना जाओ, हम यहीं बैठेगा और वृंदावन ठाकुर का महात्म कीर्तन मधुरम द्वीप का महात्म कीर्तन करके ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाए, आया क्या दर्शन हुआ आंख से, कहां से, जब तक वृंदावन दास ठाकुर के बारे में सुनेगा नहीं क्या पता लगेगा, उनका श्री पाठ में आ गया। इस प्रकार गुरु जी ने बड़े आवेश से ये बात वहां पर बोली। इस बात से पता चलता, अब जब ऐसा डांटा गुरु जी ने, सब किसी की हिम्मत नहीं हुई जाने की, सब लोग चुपचाप बैठ गए। गुरु महाराज ने पूरा इसको पाठ किया वृंदावन दास ठाकुर का और ये मधोद्रुम का सारा पाठ करने के बाद, ठीक है परिक्रमा में आते आते तो बहुत लेट हुई, उसमें भी गुरुजी का आदर्श था। मैंने देखा गुरुजी आके जो घाट है मायापुर में गंगा जी का घाट, गुरुजी वहां पर बैठ गए, बोलते हम पार होके अभी नहीं जाएगा, जब तक सब लोग नहीं आएगा नहीं जाएगा। इस जब उनको पता चलता था, सबसे पीछे वाला व्यक्ति आके गुरुजी को बोलता था कि महाराज सब लोग आ गया, तब गुरुजी आगे जाते थे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, पार जाके भी गुरुजी मठ में पाठ कीर्तन, देर होने पे भी ऐसा नहीं हुआ कि आज पाठ कीर्तन नहीं होगा। इस प्रकार हमारे गुरु महाराज का आचरण था, वृंदावन दास ठाकुर को स्मरण करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना करते हुए कल हम उनको याद नहीं कर पाए, वो तो नित्य है, नित्य ही उनकी तिथियां हैं, हमारा अपराध को माफ करें और हमको आशीर्वाद करें, ऐसा आशीर्वाद करें विशेष रूप से जिससे श्री चैतन्य भागवत श्रवण कीर्तन में हमारी विशेष रुचि हो जाए। मैं तो ये बोलूंगा सबको, एक बार जो पढ़ना शुरू कर देगा इसका रस अपने आप आने लगेगा, वो छोड़ नहीं पाएगा, इसको छोड़ नहीं पाएगा। ठीक है मिश्रा जी, आप ट्रांसलेशन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। अवर श्री कृष्णानंद प्रभु जी कुलदीप जी फ्रॉम चंडीगढ़ started with the regret that he could not spare time yesterday for remembering our Vrindavan Das Thakur, whose disappearance was yesterday. And then he quoted beautiful pastime of Gurudev in Dehradun,
where our Guru Maharaj ji gave this example that he could not do remembrance one day because it was very late. So next day, Guru Maharaj remembered. So keeping that in mind, Prabhuji gave us some salient points, which are, I think, not just biography of Sri Vrindavan Das Thakur, but something we have to imbibe in our sadhana. So Prabhuji gave how he visited the birthplace, the place of appearance of Vrindavan Das Thakur, which he described how we can reach there from Navdeep. When we go to Samudra Garden, from there is a road. But Prabhuji, in our Gurudev's Gaur Parshad, I am reading that Guru Maharaj gave two places. One is Mamgachi, another is Kumarhat for appearance of, and you said Benur. अनम्यूट कीजिए प्रभु जी. अनम्यूट हाँ, हो गया. गुरु महाराज ने बेनूर के बारे में भी लिखा है, वो उनका जन्म स्थान नहीं है, उनके रहने की जगह. वो बहुत देर वहां पर अवस्थान किया उन्होंने. बेनूर, डी से, डी ई एन यू आर, बेनूर. बेनूर वो जन्म स्थान नहीं है. नहीं नहीं, वो उनका आवास स्थान है. Nice, I got clarification. I am very happy. So, his appearance is either Kumarhat or Mamgachi, but he lived more in Denu, D for Delhi. So, he wrote this Chaitanya Mangal, which is famous as Chaitanya Bhagavat. And Prabhuji, not speaking much about other things, focused on one point, that is, the Chaitanya Bhagavat in Hindi, published by our Math. How it is very, very important for all of us to have that scripture. That's very, very important recommendation coming from Sri Krishnanand Prabhuji that every one of us must have, because this is very important. I don't know how many people have it, but I have tried not only to have myself Chaitanya Bhagavat, because I have on display Chaitanya Bhagavat always, Chaitanya Charitamrita in Hindi, but I also try to bring it to other people. I have taken these scriptures all over the world. Wherever I go, by the order of Guru Maharaj, in USA, different places in South America, I try to take scriptures published by our Math. And you know, there are many Indians and also devotees who want these scriptures. And yesterday came two books which were referred. One is this one, the Parishads, the Gaur Parshadavali. It's in Bangla, it's in Hindi, and it's in English. And this one is published in USA. And Guru Maharaj used to give it signed. So we received this. So this Gaur Parshadavali and the saints of India, Dhruv Charitra, Prahlad Charitra, these are highly recommended books. And just as Prabhuji says, even we don't understand Bangla or whatever, we keep them, we pray to them, that will give us lot of blessings. So this is very important point. And he mentioned the pain, the hard work, the hardship taken by our Param Pujyapad Shri Shri Bharti Maharaji and Puri Maharaji, who translated this, sitting in Vrindavan Math for many, many years, and how they translated, how much effort
स्पिरिचुअली दे टुक टू ट्रांसलेट चैतन्य चरितामृत पब्लिश्ड बाय अवर परम गुरुदेव एंड इन बांग्ला दे ट्रांसलेटेड इन हिंदी एंड इट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट देर आर मैनी पब्लिकेशंस फ्रॉम डिफरेंट गौड़िया मठ्स ऑफ द सेम चैतन्य चरितामृत एंड सेम चैतन्य भागवत बट मोस्ट पॉपुलर इज पब्लिश्ड फ्रॉम श्री चैतन्य गौड़िया मठ. Everyone wants to take the copy published by our Param Gurudev because he has taken so much pain with the help of his god brothers like Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj and others that they try to just keep Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta's copy in this. And to my surprise, I visited one bookstall in Mayapur and got this English Chaitanya Bhagavat in 5 volumes. So I was interested. I was curious. And I opened it. It's published by some ISKCON devotee. So I read its preface. And to my surprise, they say the translation is based on Sri Chaitanya Gaudiya Math first edition printed in 1987. So the Chaitanya Bhagavat of our Math is already translated by ISKCON in English in 5 volumes, and we are not aware. These are the 5 volumes I have here, and I used to bring these 5 volumes whenever I go abroad. That look at this, we are not aware that our Param Gurudev's effort is translated in English. And I was also disappointed to see the latest edition. They have not acknowledged that this is from Sri Chaitanya Gaudiya Math original one. So they have not acknowledged this point. It's up to them, but it's already translated. So Prabhuji recommended that all of us must have this book, very important. And I also want to add one thing. Prabhuji, main ek bar बनखंडी महादेव के सामने वो जो खंडेल वाल वो बुक स्टॉल है वहां गया, तो वहां पे वो लोग बोल रहे हैं कि हमको आप चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत सप्लाई करिए आपके मठ से, और वो हमें मिलती नहीं है. तो मैंने मठ में पूछा, वहां भी वो मिली नहीं, वृंदावन मठ में. तो उसकी बाहर भी बड़ी डिमांड है जो हिंदी में छपा. हर लोग वो जो हमारे मठ से हिंदी में छपी उसको चाहते हैं. तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि प्रभु जी की इस बात को फॉलो करें और इसको लें. और वन ऑफ द ब्यूटीफुल पॉइंट्स मेंशन्ड बाय कुलदीप प्रभु जी वाज व्हेन अवर भारती महाराज जी टोल्ड पुरी महाराज लॉन्ग बैक इन देहरादून टू रीड दिस बांग्ला स्क्रिप्चर्स. And Puri Maharaj was not comfortable. He said, I don't know. I don't understand. So Bharti Maharaj said, I don't ask you to understand. I ask you to read. So then Puri Maharaj read it. And by the mercy of Mahaprabhu, the vital points, the marm, the inner meaning was manifested to him. So this is very important point Prabhuji made. We should not understand. I have all the scriptures published in Bangla of our Math. Every scriptures I am having. Bhagavat, Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitam, Bhagavat, and also Srimad Bhagavat Mahapura in Bangla. So I also don't know Bangla, but I keep these scriptures. I worship these scriptures, and that's the crux. So Prabhuji gave very important point. Like every day he's giving us some new point. And Prabhuji mentioned one pastime of Guru Maharaj in Navadvip Dham Parikrama. When we go to Navadvip Dham Parikrama,
द लास्ट पॉइंट इज मोद्रुमडी एंड लास्ट पॉइंट इज मांगाची द प्लेस श्री पार्ट ऑफ वृंदावन दास ठाकुर एंड वी रीच्ड वेरी लेट देयर एंड इट वॉज ऑलरेडी पास्ट 11 p.m. इन द नाइट एंड पीपल वर डेस्परेट टू रिटर्न बिकॉज वी हैव टू रिटर्न ऑल द वे 25 किलोमीटर्स टू श्रीधाम मायापुर. सो गुरु महाराज बिकेम एनरेज्ड. ही सेड व्हाई वी विल नॉट स्टडी दीज व्हाई विल नॉट हियर द glories of Vrindavan Das Thakur. So he made it a point that he first read it, he finished it, then we returned very late. We were late. But Guru Maharaj is very particular. Why we have come here? For what? If we will not hear about their glories and pastimes. It's a very important point. Hare Krishna. कि जो महिमा कीर्तन को जब शेष हुआ तो साथ साथ ही मुझे फोन आने लगे. साथ साथ जिन लोगों ने गुरु महाराज की अस्वस्थ लीला रहते हुए हरि नाम ग्रहण किया है ऐसे लोगों के फोन आने लगे. वो कहते प्रभु जी हम लोग बड़े परेशान थे, आपने इतनी बातें वो गुरु जी की बता दी तो हमारे जितने संशय थे वो सब अब निवारण हो गए. हम लोग बड़े डिप्रेस्ड थे, बड़े निराश थे कि गुरुजी की अस्वस्थ लीला में हम लोगों ने हरिनाम लिया, गुरुजी हमको रेकनाइज करेंगे नहीं करेंगे. हम लोग क्या, वो कहते थे हम लोग रात को 12-12 एक एक बजे रात को पुकारते थे गुरुजी क्या आप हमको सुन रहे हैं, हम ठीक रास्ते पे हैं. तो कहते बस ऐसे ही हमारे मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. और कहते कल आपने जो गुरुजी के बारे में सारा बोला कि वो लोग जो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरुजी का आश्रय लिया, तब कहते हमारे में बड़ा कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ. गुरुजी की बात से ऐसा ही होता है. वैष्णव की जो मारती मारा की बात बोली मैंने, गुरुजी की बातें बोली, तो कहते हम लोगों को बहुत हौसला हुआ है. ऐसे मुझे पता चला है ऐसे हमारे कई जो यंग जनरेशन हमारे जो नौजवान लड़के जिन्होंने गुरुजी की अस्वस्थ लीला में हरिनाम हुआ है उनके मेले लिए उनके लिए मेरा एक निवेदन है. वो अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझे, अत्यंत. ये मेरी बात नहीं है, जो मेरे गुरुजी की बात मैं वही बोलता हूँ. मेरे गुरु महाराज हर साल वृंदावन में झूलन में जाते थे और झूलन में जाके जिस दिन द्वादशी होती है, द्वादशी में हमारे पूर्व गुरु जी श्री रूप गोस्वामी जी की तिथि आती है, गौरीदास पंडित के रूप गोस्वामी जी की, उसमें हमारे गुरु महाराज हमेशा हर साल रूप शिक्षा के बारे में आलोचना करते थे, हमको समझाते थे, श्रवण कराते थे. उसमें उसमें मैं एक बात बोलता हूँ जो महाप्रभु की बात है और गुरु जी की बात है. ध्यान से जो नए नए लोग सुनेंगे तो उनके मन में ऐसा हो जाएगा, एकदम वो विश्वस्त हो जाएंगे, इस मामले में निश्चिंत तो हो जाएंगे. बार बार फोन आते तो इसलिए वो गुरुजी की उस दूसरी बात को छोड़ के ये बात बोलनी पड़ती है. तो गुरुजी बोलते थे जो महाप्रभु ने शिक्षा दी है तो वो है ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो कोनो, इसमें ध्यान दीजिएगा सब, कोनो भाग्यवान जीव, सभी नहीं सभी नहीं, जिनको हरिनाम हुआ है कैसे भाग्यशाली हैं वो लोग अपने आप को समझे. ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए अक्ति लता बीच. कोई इस ब्रह्मांड में 84 के चक्कर में घूमते 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 कोई ऐसा व्यक्ति, कोई कोई कौन जिनको गुरु जी का चरण आश्रम मिला, वो कोई कौन है, भाग्यवान जी. महाप्रभु की वाणी है, इसको कोई काट सकता है. कौन हो भाग्यवान जी, भाग्यवान जीव को इस प्रकार के सदगुरु का चरण आसरा मिलता है. अच्छा और भी देखो, ये जो है मैं सारी तो नहीं इसमें याद करेंगे हम लोग रूप शिक्षा को, फिर किसी दिन
देखेंगे। तो इसमें यह ध्यान रखना, हमारे महाप्रभु की वाणी और गुरु जी से हम लोगों ने सुना, वो भाग्यवान है। ये जो हमको बीज मंत्र गुरु जी से द्वारा प्राप्त हो गया है, गुरु जी द्वारा प्राप्त हो गया, अगला काम अब हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं रखना। उसमें भी इस जो प्यार है, इसकी व्याख्या में हमको समझाया हुआ है कि वहां पर बात बोली गई है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए। अकेला गुरु नहीं बोला, अकेला कृष्ण नहीं बोला, इन दोनों के कृपा प्रसाद से जो बीज मंत्र मिलता है वो जीव भाग्यशाली है। दोनों का मतलब इसको एक उदाहरण देके समझाया गया है। धान का आपको देखो, धान समझते होंगे सब, हमारे यहाँ पंजाब में तो धान ज्यादा नहीं बोला जाता है, यहाँ जीरी वगैरह बोलते हैं। धान का मतलब चावल छिलका युक्त, जिसका छिलका अभी उतरा नहीं है उसको धान बोलते हैं। तो उसके लिए इस प्यार की व्याख्या में हमको समझाया गया है कि जैसे वो धान का बीज किस में है, धान का बीज है अंदर में जो चावल है, बीज तो उसमें है चावल में। तो वहां पर बोला गया है कि इस बीज को, चावल के बीज को निकाल के आप जमीन में बो दो, कोई लाभ होगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी अंकुरित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या करना होगा, कहते हो उसको छिलके के समेत ही रोपण करना पड़ेगा, छिलके के समेत। छिलके के समेत रोपण करने से होगा, हाँ छिलके के समेत रोपण करने से अंकुरित होगा वो धान जो है। अतः वहां पर समझाया गया है कि अंदर का जो चावल है वो है कृष्ण नाम रूपी बीज, और बाहर का जो आवरण है धान का छिलका वो है गुरुदेव की कृपा। वो बीज भी जब तक गुरु कृपा से आच्छादित नहीं होता वो अंकुरित नहीं होता है। अतः गुरु कृपा से आच्छादित हरि नाम बीज ही अंकुरित होता है, और वो हरि नाम बीज जो है हमारे गुरु महाराज के द्वारा उनके कर कमलों से स्पर्श जो माला है वो हमको प्राप्त हो चुकी है, जिस पर वो ही जो बीज है मंत्र है वो हमको प्राप्त हुआ है। आपने भी कल मेंशन किया था कि इसके पीछे समर्थ चाहिए, समर्थ गुरु चाहिए। तो गुरु जी आप इतने दिन से सुन ही रहे हैं कि किस प्रकार गुरु महाराज भगवान से अभिन्न, किस प्रकार समर्थवान गुरु महाराज उस धाम से पधारे हैं हम लोगों के लिए। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं रखना, और आगे का जो है उसमें ध्यान देना हम लोगों का सबका कर्तव्य है। आगे की क्या बात है, गुरु जी से तो माला मिल गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, रखना भी नहीं चाहिए अभी हमको, एकदम एकदम हो जाना चाहिए, छाती फूल जानी है हमारा, इस प्रकार के सदगुरु से हमको माला मिली है जैसे भारती महाराज ने कहा। तो वो हरि नाम को लेके आगे के काम में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, असमंजस की स्थिति में नहीं रहना चाहिए। आगे की बात में ज्यादा ध्यान देंगे तो अनुभूति स्वयं हो जाएगी, किसी को बोलना पड़ेगा नहीं। हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है आगे की बात में ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए गुरुदेव की अनुभूति अभी नहीं हो रही है। आगे की क्या बात है, आगे की बात है माली होइया सही बीज करे आरोपण, और श्रवण कीर्तन जले करे सिंचाई। इसमें अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे कि मैक्सिमम हर समय हर दिन गुरु जी के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में, वैष्णवों के बारे में, इस प्रकार अद्भुत कर्मा जो हरि है उनकी लीलाओं को, भगवान के भक्तों की लीलाओं को, चरित्र को, जैसे अभी मिश्रा जी ने बोला ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, अम्बरीश महाराज का चरित्र, ये सब लोग हम निरंतर अगर श्रवण करेंगे, करते 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 वो बीज अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित जब होगा तो उसकी अनुभूति होगी। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को इस बारे में संदेह रखने की जरूरत नहीं है,
साधन भजन में हम लोग ध्यान दें। मुझे याद है गुरुजी ने मुझे एक चिट्ठी में लिखा था, ये जो तुम्हारी अनुभूति है इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साधन। तो हमको यही इस बातें में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी आज एकादशी तिथि है, वरुथनी एकादशी तिथि, उसके बारे में भी थोड़ा सा आगे याद करेंगे। मिश्रा जी ट्रांसलेशन करें। सो एवरी डे अवर बायोग्राफी ऑफ गुरु महाराज इज converted into giving the points for the young generations. Yesterday also and today also, I think this is more important because our Guru Maharaj says always that, like Krishnananda Prabhuji saying that there should be someone to tell us the significance, to tell us the importance, only then we will understand. So Prabhuji quoted the point that when in Roop Shiksha, Chaitanya Mahaprabhu says, Brahmand Brahmite Kono Bhagyavan Jeev. So this is what he explained. He said Kono is very, very important. Kono means very, very rare. It's not so easy to get the lotus feet of a bona fide spiritual master. And we get, because of the grace of Supreme Lord Shri Krishna and the grace of Srila Gurudev. So both grace is required in this. Otherwise, people are just floating in this universe. Very few people get this Brahmand Brahmite Kono Bhagyavan Ji. So Prabhuji pointed to this fact that not just that we got, like yesterday he quoted Srila Bharati Maharaj, that those who have got initiation even in the later stages of Guru Maharaj pastimes are very, very fortunate, but just by having that connection with Gurudev is not sufficient, Prabhuji says. We are very happy to know that we are connected to a very extraordinary spiritual, bona fide spiritual Sadguru. But we also have to do our sadhana, as Prabhuji says. We have to follow what Guru Maharaj wants us to do. In that process, it's 19 hours. He's recommending all those points. So this is very important that Prabhuji is telling us all these things. And I will request Prabhuji to continue from Jagannath Puri and take us to Hyderabad. Hare Krishna. Ekadashi Tithi hai aaj. Varuthani Ekadashi. स्टिल हो गया, क्या हुआ? आई थिंक देर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल। सो प्रभुजी वॉज गोइंग टू स्पीक अबाउट टूडेज एकादशी तिथि, वरुथिनी एकादशी। वहां रख दिया, मैं वहां पर था, मेरी आंखों देखी बात है जी, रख दिया। तो गुरुजी प्रणाम करके जैसे उठे तो गुरुजी की निगाह वो गई थैला, गुरुजी अच्छे मूड में आ रहे थे, थैला देखा गुरुजी ने अपना, वो मंदिर पे रखा हुआ, सेवक कहीं दूसरे शहर को जरूरी काम से इधर उधर है। इतना गुस्सा हो गए गुरुजी, आप जो बोलते हैं नरसिंह मूर्ति, एकदम वो आवेश आ गया। लोगों के लिए बोला गुरुजी ने, बहुत डांटा, बहुत वो मतलब
कितनी देर गुरु जी का वो भाव शमित नहीं हुआ उससे, इससे हमको शिक्षा मिली। गुरु जी ने समझाया, बात समझाते थे हमारे गुरु वर्ग ने सुना कि मंदिर है अतः ये बलदेव तत्व में अपनी व्यवहारित या अपनी कोई जो हम जिस जो वस्तु है वो कभी इसके ऊपर में नहीं रखनी चाहिए। मंदिर के बाहर के चबूतरे को भी प्रणाम करना चाहिए और उसके प्रति पूज्य बुद्धि रखनी चाहिए। गुरु जी की इस शिक्षा से हमको जो शिक्षा मिलती है, इवन हमारे शिक्षा गुरु तो हमको मंदिर के सामने जो चबूतरा है हम लोग ऐसे अगर ऐसे करके हाथ दोनों उस पर टिका के मंदिर के दर्शन करते थे उसमें भी टोकते थे, ऐसा नहीं करना, ऐसा अपना जो भार है ये इसके ऊपर नहीं देना है, पूज्य बलदेव जी का ये ध्यान रखना। मतलब कहने का है कि कई बार हम पूछते थे ना कि महाराज जब मंदिर बंद होता है तो बोलते हैं कि मंदिर को प्रणाम नहीं करना चाहिए ठाकुर जी को, अभी पर्दा है, अभी डोर्स क्लोज्ड हैं। तब हमको समझाते थे कि ठीक बात है, जब मंदिर बंद हो तो ठाकुर जी को प्रणाम नहीं किया जाता, पर ये बाहर में जो बलदेव तत्व है मंदिर का आसन, इसको प्रणाम किया जा सकता है, इसको प्रणाम करो। वो मंदिर के चबूतरे पर, मंदिर का जो बरामदा कहिए चबूतरा कहिए, सेवा के लिए ही उस पर चढ़ना चाहिए, सेवा के बिना ऐसे उस पर नहीं चढ़ना चाहिए। मुझे याद है जब बठिंडा मठ बनने लगा तो मुझे गुरु जी ने निर्देश किया कि जो काम करना आरती महाराज से पूछ के करना और पुरी महाराज से पूछ के करना, या मतलब मैं गुरु जी से पूछता था या भारती महाराज से या पुरी महाराज से। तो मुझे उन्होंने कहा कि मंदिर का जो चबूतरा है ऊंचा होना चाहिए। तो मैंने कहा दर्शन में थोड़ा, कहते तुम्हें पता नहीं है ज्यादा ऊंचा चबूतरा होने से दो लाभ होगा, एक तो कल को जब सड़क बाई चांस ऊंचा होगा तब दिक्कत आएगा तो ये ठीक रहेगा, और दूसरी बात जो है उन्होंने कहा कि नीचा चबूतरा ठाकुर के सामने होने से आप लोग तो हर समय यहां नहीं रहेगा ठाकुर के सामने, तो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को बिठा के ये फोटो खींचेगा, इससे उनका भी अपराध होगा, मंदिर के ऊपर अपने बच्चों को बिठा देगा, ऊंचा रखना जिससे बच्चों को ऊपर बिठाया ना जा सके। इसलिए उसी बात को लेके हमने मंदिर की जो हाइट है उसको काफी ऊंचा रखा, 5 फुट से भी ज्यादा रखा, उनका ऐसा विचार था गुरु जी का। अतः सब लोगों को ये बात पता नहीं होती है, इसलिए गुरु जी की बात मैंने ये याद की है ताकि हम लोग भी इस बारे में सतर्क हो सके। फिर गुरु महाराज जाने लगे तो सब लोग कीर्तन बोला, मुझे बोला कीर्तन करने के लिए, तो मैंने कीर्तन शुरू किया, मैं कीर्तन करता था जय गुरुदेव ऐसा कीर्तन करता था। तो उसमें कीर्तन करते करते मुझे याद आ गया कि गुरु महाराज हमारे ये कीर्तन करते हैं कृष्ण क्या राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव पाहिमाम, गुरु जी ऐसा कीर्तन कभी कभी करते राम राघव रक्षमाम कृष्ण केशव पाहिमाम राम राघव रक्षमाम, ऐसा गुरु जी कीर्तन करते। तो मैं जब ये कीर्तन कर रहा था तो गुरु जी सामने में थे, बैठ गए गुरु जी, तो मैं अचानक गुरु जी ने प्रेरणा दी, गुरु जी ने ही प्रेरणा दी, तो मैंने उसको राम राघव रक्ष की छोड़ के मैंने शुरू कर दिया गुरुदेव रक्षमाम गुरुदेव पाहिमाम गुरुदेव रक्षमाम गुरुदेव पाहिमाम, ये बोला। इतना खुश हो गए गुरु महाराज, गुरु जी स्वयं कीर्तन करने लगे, मैं तो छोड़ने लगा, गुरु जी ने इशारा किया नहीं इसको कंटिन्यू रख कंटिन्यू, क्यों? मैंने देखा जब भी हम लोग गुरु जी का कीर्तन करते थे तो गुरु जी को ऐसा ही लगता था कि वो अपने गुरु जी का कीर्तन कर रहे हैं, गुरु जी साथ में कीर्तन, धीरे धीरे गुरु जी ने वो साथ साथ कीर्तन करना शुरू कर दिया गुरुदेव रक्षमा गुरुदेव पाहिमा। इससे मुझे पता चला कि गुरु जी का ये प्रिय कीर्तन है, अतः इसी को लेके बठिंडा में हम लोग सुबह मंगल आरती में इस कीर्तन को अवश्य करते हैं, और बठिंडा के जितने हमारे
सेवक हैं वो मंदिर पे चढ़ने से पहले सेवा के लिए जब चढ़ते हैं पहले उनको प्रणाम करते हैं, उनकी कृपा प्रार्थना करते हैं, उनसे माफी मांग के फिर ऊपर में सेवा के लिए जाते हैं। ठीक है मिस्टर जी, करिए फिर आगे चलते हैं। सो प्रभु जी हैज डिस्क्राइब्ड पूरी इंसिडेंट पूरी पास टाइम ऑफ गुरु महाराज एंड ही गॉट दिस चांस आफ्टर लाइक आई थिंक गैप ऑफ 2-3 डेज बिकॉज लास्ट टाइम वी वर हियरिंग पास टाइम्स ऑफ पूरी फ्रॉम अवर कुलदीप प्रभु जी अबाउट गुंडीचा मंदिर। सो now he gave a very important pastime of Guru Maharaj, which is a good teaching for all of us, because we are not even aware of this point. Prabhuji said that I will briefly say that Guru Maharaj offering pranam to Sri Sri Guru Granth Sri Sri Radha Nainamani, Sri Baldev Subhadra Jagannath Sudarshan Yuk in the birthplace Jagannath Puri, Sri Chaitanya Gaudiya Math Grand Road. And when Guru Maharaj was doing this pranam, his bag, sevak, just unmindful, he placed that bag on the platform, the higher platform of the temple. Because we have our temples on a very big raised platform. So that platform, mostly we see, only pujari can go on that platform, and mostly we see in one corner he is keeping charanamrit. So otherwise we don't put anything there. But Guru Maharaj, when he stood up after doing pranam, he saw that bag, his used bag, on the platform. He became enraged. He became so enraged that he admonished his sevak in front of everyone that you should not do this, you should not put bag on this platform, or for that matter anything except for paraphernalia which is used for the seva of Thakurji. We cannot keep anything on the platform of the temple. And Prabhuji gave example that when he was engaged in the service of Bhatinda Math. So at that time, Guru Maharaj told him emphatically that whatever you will construct, whatever you will do, you must consult with our Bharti Maharaji and our Puri Maharaji, Bhakti Prasad Puri Maharaji. So Prabhuji said he used always to consult our Guru Maharaj, our Bharti Maharaj, our Puri Maharaj, for anything to be executed in the construction of the temple. So in this way, when the platform of the temple, after the foundation was finished, on the foundation you have to raise the temple. But then first is the platform. So he asked for guidance. So he was guided that platform should be kept higher to the extent that normally devotees do not unmindfully place their belongings or things or children on the platform. So keeping this in view, the Bhatinda Math platform is quite higher. And he says whenever a pujari, or for that matter any servant of Thakurji, has to get on inside the temple, they first do Sashtang Dandavat Pranam. They pray for their mercy, and only then they enter that place. So in this way, this is very important point Prabhuji has raised, that platform should be higher. And after this, when Guru Maharaj was returning from Puri, so there is always devotees, they sing kirtan at the time of seeing of Guru Maharaj. So at that point of time, our Kuldeep Prabhuji got opportunity to sing kirtan.
So he did kirtan. He said what kirtan he did. But in this Krishna Keshava Pahi Mam, Ram Raghav Raksha Mam, he extended the kirtan. He continued the kirtan. Gurudev Raksha Mam, Gurudev Pahi Mam. And he saw the reaction in Guru Maharaj, who was so pleased that Guru Maharaj also started chanting with him. Gurudev Raksha Mam, Gurudev Pahi Mam. So, seeing the approval of our Guru Maharaj, Prabhuji says that in our Bhatinda Mangal Arati, every day in the morning, we do this kirtan. Gurudev Raksha Mam, Gurudev Pahi Mam. So, it's very important. And Prabhuji is teaching us that we should also include this kirtan, Gurudev Raksha Mam, Gurudev Pahi Mam, in our scheme of whatever we do. So, Hanji. Saat 20-25 ho gaye, aur logon ne bolna hoga. Haan, aap conclude kar dein. Achha, to conclusion iska yahi hai, कि इस प्रकार हम लोगों ने पूरी की कुछ घटनाओं को याद किया है, ये इतनी ही नहीं है। गुरु जी की अनंत अनंत कथाएं, अनंत लीलाएं है ना। गुरु जी जो जो याद करा रहे हैं उनको हम लोग याद कर रहे हैं, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने एक दिन कृष्ण शरण से सुना था, हैदराबाद के जो हमारे कृष्ण शरण जी हैं, तब मेरे मन में जब वो बोल रहे थे तो हैदराबाद की कुछ घटनाएं मुझे याद आने लगी। तो जब हैदराबाद की घटनाओं को मैं याद कर रहा था तो तब मेरे मन में आया कि हैदराबाद की घटनाओं को भी कुछ को हम लोग याद करेंगे। सभी तो जगह जगह की गुरु जी की लीलाएं, कोई ब्रजमंडल की, कोई नवदीप की, कोई जलंधर की, कोई बठिंडा की, कोई हैदराबाद की। हमारा तो सिर्फ लक्ष्य यही है कि किस प्रकार गुरु जी को याद किया जाए, बस। और गुरु जी की कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी कथा नहीं है जिसमें कोई हमको शिक्षा नहीं मिलती है, हर शिक्षा है। तो हैदराबाद की घटनाएं तो हम लोग फिर कल याद कर लेंगे, अभी समय नहीं है। इतना मैं थोड़ा उसको शुरू कर देता हूं कि हमारा जो हैदराबाद है उसमें हमारे शुरू में 59 में हमारे परम आराध्य परम गुरु महाराज जी ने पदार्पण किया था। जब हमारे परम गुरु महाराज वहां पर गए तो वहां के जो गवर्नर थे, राज्यपाल भीमसेन सच्चर जी, उन्होंने गुरु जी का बड़ा स्वागत किया। स्वागत करके इवन अपने जो उनका राजभवन है, गवर्नर हाउस, उसमें उन्होंने गुरु जी की कथा का आयोजन किया। और गुरु जी की कथा को सुनकर वो बड़े संतुष्ट हुए और गुरु जी के हस्त कमल से उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया परम गुरु महाराज। हमारे गुरुवर तो साथ में थे ही, गुरुजी तो होते ही थे। तो ऐसे पहले हैदराबाद में गुरुजी ने दक्षिण भारत में पदार्पण किया। फिर धीरे वो करते 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 संक्षेप में पहले किराए की जगह में पत्थर घाटी में मठ हुआ, फिर अगले किराए की जगह में मठ बना, वहां विग्रह प्रतिष्ठा आदि। बाद में ये जो अभी है, अभी दीवान देवड़ी में जो अभी हमारा मठ है, ये बाद में एस्टेब्लिश हुआ। तो जिस समय उर्दू गली में मठ था उस समय हमारे परम आराध्य गुरुजी, हमारे गुरुजी और महात्मा वहां पर सब विराजमान थे। तो एक माता जी रोज प्रातः काल सुबह आती हैं, वो हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थी, स्थानीय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट थी। तो वो आके वो मठ में जो कोई चित्र लगे हुए हैं उनको हाथ लगा के ऐसे करती हैं, मठ की दीवारों को हाथ लगा के ऐसे सिर में लगाती हैं, परिक्रमा में ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं। तो गुरु जी देखते हैं उन्हें, परम गुरु महाराज देखते हैं। तो जब वो ऐसे करती करती गुरु जी के पास आई तो गुरु जी को उन्होंने बोला, प्रणाम किया गुरु जी को, बोला महाराज कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा ही है। उसने मतलब अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं आप जो करके आई हूं ठीक है, मैं दंडवत प्रणाम नहीं किया मैंने या जो भी है। उसने ये बात बोली कि महाराज कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा ही है। तो वो गुरु जी के समर्थन की तरफ देख रही थी कि मैंने जो बात की है गुरु जी इसको डिटो करें, समर्थन करें। तो गुरु जी हंस दिए, बोले नहीं कुछ,
वो फिर बोलती है, तब भी गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोलती है, महाराज कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा ही है। तब हमारे परम गुरुजी ने बोला, आप लोग ऐसा बोल सकता है, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। तब गुरुजी ने उसको समझाया प्यार से, देखिए आपने कहा कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, हम जो कैसे बोलेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने परिवार में है और वो कुछ नहीं करता है, सारा दिन बैठा बैठा खाता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, उसके घर वाले बार बार उसको प्रताड़ित करते हैं, डांटते हैं, तुम कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते, सारा दिन बैठे बैठे खाते हो, तो वो अच्छा क्या करता है, ठीक है मैं आपसे कुछ करूंगा। वो रात को जाके रास्ते में लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया, चाकू ले गया, किसी की पॉकेट मार, किसी को ऐसे लूट लिया। तो गुरुजी ने बोला, आपने कहा कुछ नहीं करने से कुछ करना अच्छा है, वो पहले कुछ नहीं कर रहा था, अब रात को ये काम करना शुरू कर दिया, पॉकेट मारी, लूट का, डकैती का, तो ये कुछ करना हो गया। आप कह सकते हैं कि पहले कुछ नहीं करता था, अब कुछ करना हो गया, अतः हम इसको कैसे समर्थन कर सकता है, आपको कहना होगा। मतलब गुरु जी कैसे सतर्क थे, कितने सेंसिटिव थे। उन्होंने कहा, आपको कहना होगा कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा करना अच्छा है। इस अपने वाक्य को आप सही करिए, कुछ नहीं करने से कुछ अच्छा करना अच्छा है। बाकी हैदराबाद की जो बात है हम लोग कल करेंगे, समय हो गया। धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। सो फाइनली प्रभुजी जी हैज स्टार्टेड हैदराबाद टुडे, रेफरिंग टू what we hear last time from our god brother Shri Krishna Sharan Prabhu from Hyderabad. So Prabhuji today started Hyderabad, he touched little bit, but he gave reference that when Param Guru Maharaj ji came to Hyderabad long back, late 50s, he preached in different places and our path was established. First he said in Urdu Gali and then later in Diwan Devadi, Hyderabad, which is close to Charminar. So, in that mat, when Param Guru Maharaj Ji was present in Hyderabad, one lady, superintendent of government hospital in Hyderabad, came. And she used to come and she used to circumambulate and she used to put hands on different altars, pictures and walls. He used to touch them and touch with head, like people are habitual of doing this kind of acts. So while doing this, going around the temple, this lady came across our Param Guru Maharaj and she came to him and just justifying what she was doing, she explained that it is better that I am able to do something than doing nothing. So it was like something is better than nothing. So she expected Param Guru Maharaj to approve. But instead, Param Guru Maharaj smiled and he started speaking. He said, if you say something is better than nothing, then There can be one example that a person who is lazy, is not doing anything, not going outside, but just everyone is admonishing this person, why don't you do something? So this person goes out and becomes a pickpocket or started looting people. So doing something like that negative, is that better? This is what you want to mean, doing something. But Param Guruji corrected her that you should say doing something which is good. That is more important. So it's not just whatever something we do. So it's very important to, that we do something good, then only it becomes better. So I thank you, Prabhuji, and now I request Mahalakshmi from New York
She is our god sister. We hear from her very nicely. And I request Mahalakshmi ji to start. Prabhuji, so many seniors are here. Maybe they should speak first. We are waiting for you. Mm-hmm.